YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार की ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, केंद्र सरकार के केंद्रीय बजट 2018-19 में ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना की घोषणा की गई थी और इस योजना को जो है का संचालन कृषि को औद्योगिक रूप देने के लिए किया गया है और इस योजना को जो है ऑपरेशन फ्लड मिशन के तर्ज पर शुरू किया जाएगा। दोस्तों, 1966 में डेयरी उत्पाद को बढ़ावा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन फ्लड योजना शुरू की गई थी और इस योजना में सफलता भी हासिल की गई थी। इसी सफलता को देखते हुए जो है इसी तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना का संचालन किया गया है और इस योजना के तहत जो है कम लागत में अधिक फसल की उपज करने तथा कृषि विपणन यानी मार्केटिंग के दायरे को बढ़ाने के लिए जो है 22,000 नए हाट विकसित किए जाएंगे और इन 22,000 नए हाट को जो है ग्रामीण मंडियों से जोड़ा जाएगा, जिससे सीमांत किसान अपने उत्पादों को सीधे खुदरा मंडियों में बेचकर अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सके। और केंद्र सरकार की ऑपरेशन ग्रीन मिशन को जो है का संचालन 500 करोड़ रुपए की बजट के साथ किया जाएगा और इस मिशन के तहत कृषि उत्पाद संगठनों कृषि उत्पादों की सप्लाई और प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग की सुविधाओं के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों, इस योजना के तहत जो है किसानों 22,000 नए हाट को जो ग्रामीण बाजारों से जोड़ा जाएगा और इन ग्रामीण बाजारों में किसानों को जो है जो ये 22,000 नए हाट होंगे उनमें किसानों को सीमांत किसान जो है उन्हें छोटे छोटे स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे संगठित रूप से मंडियों में अपने उपज की सौदेबाजी के माध्यम से अपने उपज की उचित मूल्य का निर्धारण किसान भाई कर सके और अपने उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सके खुदरा मार्केट में डायरेक्ट बेचकर। और इन कृषि मंडियों के ढांचे को जो है मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजना की सहायता से सुधार किया जाएगा इनके ढांचे में और डिजिटल मार्केटिंग का रूप प्रदान किया जाएगा और डिजिटल मार्केटिंग का रूप प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा जो है कृषि उपज को ऑनलाइन बेचने के लिए ई नाम वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इन 22,000 नए हाटों को जो है ग्रामीण मंडियों से जोड़ने के बाद और इन्हें फिर ऑनलाइन वेब पोर्टल से जोड़ा जाएगा और मार्केटिंग छोटे किसानों को मार्केटिंग की सुविधा देश भर में प्रदान करने के लिए। तो इसके माध्यम से ई नाम वेब पोर्टल के माध्यम से किसान भाई अपना उसमें वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाएंगे और पंजीकरण करवाने के बाद जो है देश भर की मंडी में जहां जिस भी मंडी में उन्हें उचित मूल्य अपने उपज का मिले या अधिक मूल्य फसल का प्राप्त हो उन्हें अपनी फसल की उपज का उस मंडी में अपने इच्छानुसार बेच सकेंगे और बेचकर जो है अपने बैंक अकाउंट में अपने उपज का उचित मूल्य जो है प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन अपनी फसल की उपज के विपणन की व्यवस्था की जाएगी योजना के तहत और वित्तीय वर्ष 2018-19 से जो है 100 करोड़ तक के कारोबार के लाभ को प्राप्त करने की योजना लक्ष्य जो है इस योजना के तहत निर्धारित किया गया है और इसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के लाभ में जो है आगामी 5 वर्षों तक 100% कटौती किए जाने की घोषणा की गई है, जिससे जो है फसल काटने के बाद उपज के मूल्य में वृद्धि करने के लिए किसानों को अवसर प्रदान किया जा सके। और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जो है केंद्र सरकार ने कृषि विपणन विभाग के द्वारा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से
देश भर के सब्जी मंडियों का नक्शा तैयार करने की घोषणा की है, और जिससे देश भर के सब्जी मंडियों का नक्शा तैयार करके उन्हें ई-नाम वेब पोर्टल से जोड़ा जाए, और ताकि किसान भाई जो है देश के किसी भी कोने के ग्रामीण इलाके में रहते हों अपने किस फसल की उपज को ई-नाम वेब पोर्टल के जरिए जो है देश भर की मंडी में जहाँ उन्हें उचित मूल्य उनकी फसल का मिले वहाँ बेच करके जो है लाभ प्राप्त कर सकें, अपने कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस योजना के संचालन से जो है आशा किया जाता है कि जो है किसानों को अपनी कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि योजना की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा